हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन सिस्टम कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रांजैक्शन के लिए। तो मैं जगदीश मीणा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांजैक्शन सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजेक्शन सिस्टम क्या होता है। ये ट्रांजेक्शन इज ए लॉजिकल यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट DBMS। यह एक लॉजिक ट्रांजेक्शन जो लॉजिकल यूनिट प्रोसेसिंग होती है DBMS में, विच इंटेल वन और मोर डेटाबेस एसेस ऑपरेशन। ठीक है, तो वन और मोर डेटाबेस का एसेस करने के लिए यूज होता है। द ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड एज ए सिंगल, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम एक सिंगल यूनिट मानते हैं। ए सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन कैन चेंज द डेटाबेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर कंसिस्टेंट स्टेट। जब हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो क्या करता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये फिर कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट स्टेट से अनदर स्टेट में चेंज हो जाता है हमारा डेटाबेस होता है ना। जो इसके बाद हम देखते हैं, इफ इफ द डेटाबेस वर इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट बिफोर ए ट्रांजेक्शन। जैसे हमने पहले बात करी कि जैसे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो हमारा डेटा कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाता है, पहले भी कंसिस्टेंट स्टेट में था और ट्रांजेक्शन के बाद सक्सेसफुल हो गया वह भी कंसिस्टेंट स्टेट में ही रहेगा। अगर हमारा डेटा ट्रांजेक्शन से पहले इनकंसिस्टेंट स्टेट में है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट स्टेट बिफोर ए ट्रांजेक्शन, इट वुड बी रिमेन इन द इनकंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर द ट्रांजेक्शन। तो फिर वो डेटा ट्रांजेक्शन होने के बाद भी इनकंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा अगर बिफोर ट्रांजेक्शन से पहले वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में था तो। ओके, तो ये मतलब ये है कि हमारा डेटा अगर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उससे पहले वो कंसिस्टेंट स्टेट में है तो वो आफ्टर ट्रांजेक्शन होने के बाद भी कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा। ठीक है, और अगर वो हमारा डेटा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने से पहले इनकंसिस्टेंट स्टेट में है तो ट्रांजेक्शन होने के बाद भी वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा। DBMS ट्रांजेक्शन मस्ट बी, जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो फॉलो करते हैं किसको, चार प्रॉपर्टी होती है इसकी। एक तो होती है फर्स्ट एटॉमिक, सेकंड होती है कंसिस्टेंट, थर्ड होती है आइसोलेटेड और थर्ड होती है ड्यूरेबल। ठीक है, फर्स्ट हम जैसे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। तो कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, एनी ट्रांजेक्शन मस्ट मेंटेन द एसिड प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन जनरली हमेशा हर एग्जाम में आएगा DBMS का, जो है हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे यूज होती है, एसिड प्रॉपर्टी की क्या काम है। तो एसिड प्रॉपर्टी में मेनली हम चार पॉइंटों पे स्टडी करेंगे। इसके हैं एसिड का मतलब एटोमिसिटी, सी का मतलब कंसिस्टेंसी, आई का मतलब आइसोलेशन, डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी। ओके, तो एटोमिसिटी क्या होती है, देखो एटोमिसिटी हमारे ट्रांजेक्शन के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी है जो जो मेंटेन होनी चाहिए, फर्स्ट है एटोमिसिटी। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट कि ये प्रॉपर्टी स्टेट दैट कि ए ट्रांजेक्शन मस्ट बी ट्रीटेड एज ए एन एटोमिक यूनिट। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन मस्ट बी ट्रीटेड एज ए एटोमिक यूनिट होना चाहिए। दैट इज आइदर ऑल ऑफ इट्स ऑपरेशन आर एग्जीक्यूटेड और नो, या तो उसके उससे सारे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि इट स्टेट दैट ऑल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस एट वंस। ठीक है, ऑल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस एट वंस, इफ नॉट अगर एट प्लेस वंस नहीं है तो ट्रांजेक्शन इज अबॉर्टेड, तो फिर हमारा ट्रांजेक्शन क्या अबॉर्ट हो जाएगा। इस ट्रांजेक्शन में या तो हम कह सकते हैं कि या तो एग्जीक्यूटेड या फिर नॉट। ठीक है, देर इज नो मिड वे, इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। द ट्रांजेक्शन कैन नॉट ऑक्योर पार्शियली, ठीक है, हमारा जो ट्रांजेक्शन है पार्शियली ऑक्योर नहीं हो सकता। इच ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज वन यूनिट, हर ट्रांजेक्शन एज ए ट्रीट करता है, जब आपने पहले बात की थी कि एक यूनिट की जैसे वर्क करता है। आइदर रन टू कम्प्लीशन, या तो कंप्लीट रन होगा और इट्स नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल, या फिर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो इसमें देखते हैं हम कि एटोमिसिटी इनोल टू ऑपरेशन, एटोमिसिटी में टू ऑपरेशन इनोल होते हैं,
फर्स्ट होता है या तो हमारा ट्रांजेक्शन एबोर्ट होगा, अगर ठीक है एबोर्ट मतलब अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो एबोर्ट ही होगा। इफ ट्रांजेक्शन एबोर्ट देन ऑल द चेंज आर मेड नॉट विजिबल, ठीक है जो भी चेंजेज होंगे ट्रांजेक्शन में वो कोई भी विजिबल नहीं होगा। ये फिर हम सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड होता है इसमें ऑपरेशन कमिट, ठीक है इफ ए ट्रांजेक्शन कमिट देन ऑल द चेंज मेड आर विजिबल, ठीक है अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया कमिट हो गया ठीक है तो जो भी ट्रांजेक्शन में चेंजेस हुए सारे विजिबल होंगे। अब इस एटोमिसिटी को हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि कैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, या तो कुछ भी नहीं होगा या फिर पूरा ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है जैसे हम एक ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, टी ट्रांजेक्शन है वो कंसिस्ट टी वन टी टू, ठीक है जो ऑपरेशन होने हैं उसमें एक कंसिस्ट ऑफ ए के पास इसके पास 600 रुपीज, बी कंसिस्ट ऑफ आर एस 300 रुपीज, ठीक है ट्रांसफर इसमें से ए में से टी वन में से 100 रुपीज ट्रांसफर करने फ्रॉम अकाउंट ए टू बी में हमारे को 100 रुपये ट्रांसफर करने हैं सपोज। तो अब सबसे पहले टी वन ट्रांजेक्शन क्या करेगा, टी वन ट्रांजेक्शन रीड द एक्स, ठीक है उस ट्रांजेक्शन उसको रीड किया, ठीक है रीड करने के बाद एक्स एक्स आपकी वैल्यू है इसमें से एक्स माइनस 100 गेन करेंगे, ठीक है एक्स माइनस 100 हो गया क्योंकि हमारे को 100 रुपये ट्रांसफर करने हैं ए से, ठीक है 100 रुपये ट्रांसफर हो गया फिर वो राइट ऑपरेशन होगा उसमें, ठीक है दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं एक रीड ऑपरेशन और एक राइट ऑपरेशन, ठीक है राइट ऑपरेशन हो गया, राइट ऑपरेशन होने के बाद हमारे को 100 रुपये ट्रांसफर करने हैं बी के अकाउंट में तो वो रीड करेगा वाई, ठीक है वाई ट्रांजेक्शन को रीड किए, रीड करने के बाद वो उसमें बी के अकाउंट में एड हो गए वाई प्लस 100, ठीक है और उसके बाद राइट हो जाएगा देन सक्सेसफुल वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 500 एंड बी कंसिस्ट ऑफ आर एस 400 रुपये, ठीक है हमारा ट्रांजेक्शन इसमें कंप्लीट हो गया पैसा ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी क्या होती है, ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी। ए ट्रांजेक्शन शुड टेक द डेटाबेस फ्रॉम, कोई भी ट्रांजेक्शन है शुड टेक द डेटाबेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर कंसिस्टेंट स्टेट, ठीक है कोई भी ट्रांजेक्शन एक डेटाबेस को वन कंसिस्टेंट स्टेट से अनदर कंसिस्टेंट स्टेट में ले जाता है। इट शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट एनी डेटा आइटम इन द डेटाबेस, ठीक है डेटाबेस को अफेक्ट नहीं करता। द इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट आर मेंटेन्ड सो दैट द डेटाबेस इज कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन, ठीक है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट मेंटेन रहेगी ताकि हमारा डेटा बिफोर और आफ्टर द ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन विल लीव ए डेटा बेस इन आइदर इट्स प्रीवियस स्टेबल स्टेट और न्यू स्टेबल स्टेट, ओके सपोज इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हमारा डेटा कंसिस्टेंट स्टेट में है कि नहीं है। टोटल अमाउंट मस्ट बी मेंटेन बिफोर और आफ्टर द ट्रांजेक्शन, ठीक है जैसे हम देखते हैं कि उस एग्जाम्पल देखा हमारा टोटल अमाउंट है, ठीक है वो ट्रांजेक्शन होने के बाद और एक तो ऐसा है कि इधर से पैसा कट गया और उधर से पैसा ऐड नहीं हुआ, ठीक है तो जैसे टोटल अमाउंट मस्ट बी मेंटेन बिफोर और आफ्टर द ट्रांजेक्शन, टोटल बिफोर टी ओक्यूर, ठीक है ट्रांजेक्शन ओक्यूर ने पहले 6 + 300 900 था, ठीक है टोटल आफ्टर ट्रांजेक्शन ओके वही 5 + 4, ठीक है तो इसमें भी 900 रुपये, इसमें भी 900 रुपये, मतलब हमारा डेटा कंसिस्टेंट स्टेट में है ट्रांजेक्शन से पहले और ट्रांजेक्शन से बाद। Therefore, the data is consistent. In case when T1 is completed but T2 fail, then inconsistency will occur. ठीक है जैसे हमारा पहले वाला T1 transaction हो गया, हमने पहले भी बात की थी हो गया लेकिन T2 नहीं हुआ तो फिर हमारा data inconsistent state में हो जाता है। अब इसके बाद हमारी third property है isolation, ठीक है आइसोलेशन। आइसोलेशन जनरली हम देख रहे हैं आजकल की आइसोलेशन पर सा वर्ड, आजकल जो कोरोना डिजीज़ है वायरस है इसकी जो इससे पॉजिटिव पेशेंट पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेशन में रखा जाता है, ठीक है आइसोलेशन मतलब सिंगल अकेले को, ठीक है अगर रखा जाता है सेम वही चीज़ आइसोलेशन डेटाबेस में यहाँ पे काम होता है आइसोलेशन का। आइसोलेशन क्या करता है, इट्स सो दैट द डेटा विच इज़ यूज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन
ऑफ ए ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी यूज बाय द सेकेंड ट्रांजेक्शन, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेटा है जो एक ट्रांजेक्शन में यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो डेटा दूसरे ट्रांजेक्शन उस टाइम पे यूज नहीं कर सकता अंटिल द फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड, जब तक पहला वाला ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। ए ट्रांजेक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड, ए ट्रांजेक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड एज इफ इट इज द ओनली वन इन द सिस्टम, ठीक है। देर शुड नॉट बी एनी इंटरफेस, देर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर कंकरेंट ट्रांजेक्शन दैट आर साइमल्टेनियसली रनिंग, ठीक है। टीच क्लियर, ये कहना चाह रहा है कि द ट्रांजेक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड एज इफ इट इज द ओनली वन इन द सिस्टम, अकेला सिस्टम के अंदर अकेला ट्रांजेक्शन है, देर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस, उसके यहाँ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए फ्रॉम द अदर, जो भी दूसरे ट्रांजेक्शन चल रहे हो उनके द्वारा, जो साइमल्टेनियसली मल्टीपल ट्रांजेक्शन चल रहे हो, लेकिन उस ट्रांजेक्शन में वो सिंगल एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन आइसोलेशन इफ द ट्रांजेक्शन T1 इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, अगर सपोज T1 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है एंड यूजिंग द डेटा आइटम एक्स, ठीक है, उस टाइम वो डेटा आइटम एक्स को यूज कर रहा है, देन द डेटा आइटम कांट बी एक्सेस्ड बाय एनी अदर ट्रांजेक्शन, तो वो डेटा आइटम एक्स दूसरा डेटा आइटम एक्सेस नहीं कर सकता, कोई भी दूसरा ट्रांजेक्शन उसको एक्सेस नहीं कर सकता अदर ट्रांजेक्शन T2 अनटिल द ट्रांजेक्शन T1 एंड, जब तक ट्रांजेक्शन T1 कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उस डेटा आइटम को दूसरा ट्रांजेक्शन एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके बाद हमारी एक और प्रॉपर्टी बचती है, वो है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, लास्ट, इसलिए हम इसको कहते हैं एसिड प्रॉपर्टी, डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी। दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट वंस द ट्रांजेक्शन हैज कंप्लीटेड द एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करती है कि एक बार हमारा ट्रांजेक्शन, ठीक है, कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, द अपडेट एंड मॉडिफिकेशन टू द डेटाबेस, ठीक है, उसमें ट्रांजेक्शन में अपडेशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया डेटाबेस में, और डेटाबेस क्या होता है, आर स्टोर्ड इन एंड रिटर्न टू द डिस्क, जो हमारी डिस्क होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है, उसमें स्टोर हो जाता है, दे परसिस्ट इवन इफ ए सिस्टम फेलियर ओके, ठीक है, उसमें स्टोर होने के बाद कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, हमारा डेटा उसमें हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया, अब उसके बाद हमारा डेटा उसमें वो परसिस्ट ही रहेगा, बोले उसके बाद पावर ऑफ हो जाए या सिस्टम फेलियर हो जाए या नेट चला जाए, एक बार डेटा हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद वो डेटा उसी में रहना चाहिए, नहीं उसके बाद ट्रांजेक्शन फेल हो, कुछ पावर सप्लाई कट हो जाए या सिस्टम फेल हो जाए, एक बार डेटा परमानेंट स्टोर हो गया तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए। दीज अपडेट नो बिकम परमानेंट एंड आर स्टोर्ड इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर नेवर लॉस्ट, ओके। इफ ए कमिटेड ट्रांजेक्शन बींग अबाउट ए चेंज दैट चेंज शुड बी ड्यूरेबल, द चेंज शुड बी ड्यूरेबल इन द डेटा बेस एंड नॉट लॉस्ट इन द केस ऑफ एनी फेलियर, किसी भी केस में डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, ओके। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन द चेंज इन द डेटा बेस शुड परसिस्ट, हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया उसके बाद हमारा डेटा चेंज इन द डेटा बेस शुड परसिस्ट, हमारे डेटा में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा का जैसा वैसा रहना चाहिए, इवन इन द केस ऑफ सिस्टम फेलियर, ओके। थैंक यू दोस्तों, एसिड प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, थैंक्स।